हेलो फ्रेंड्स, रतलामी जायके में आपका वेलकम है। आज मैं आपके लिए मानसून स्पेशल डिश लेकर आई हूँ। बारिश का मौसम है तो गर्मा गर्म चाय के साथ क्रिस्पी कॉर्न मिल जाए तो फिर क्या बात है। तो आज मैं आपके साथ बहुत ही क्रिस्पी कॉर्न चाट की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर करना ना भूलें। ये मैंने एक कप फ्रोजन स्वीट कॉर्न लिए हैं, आप इसकी जगह फ्रेश स्वीट कॉर्न भी ले सकते हैं। फ्रोजन स्वीट कॉर्न का साइज़ थोड़ा सा बड़ा होता है और इसका रिजल्ट बिल्कुल मार्केट जैसा आएगा, तो इसलिए मैं फ्रोजन स्वीट कॉर्न का यूज़ कर रही हूँ। इसे हम बॉईल करेंगे तो उसके लिए पैन में स्वीट कॉर्न डाल देते हैं और इसमें हम थोड़ा सा पानी डालेंगे, मतलब दाने डूब जाए उतना ही हम इसमें पानी डालेंगे। कॉर्न को हम 5 मिनट बॉईल करेंगे। 5 मिनट हो गए हैं और कॉर्न थोड़े से सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम गैस की फ्लेम बंद कर देंगे। इसे हम छलनी में निकाल देंगे, मतलब इसका सारा पानी निकाल देंगे और इसे पूरी तरह से हमें ठंडा करना है। कॉर्न को हमने ठंडा कर लिया है और इसे हम क्रिस्पी बनाने के लिए कॉर्न फ्लोर डालेंगे 3 बड़े चम्मच। इसकी जगह आप अरारोट भी डाल सकते हैं और इसमें अब हम 1 चम्मच चावल का आटा डालेंगे। चावल के आटे की जगह आप मैदा भी डाल सकते हैं। इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, मतलब कॉर्न को हमें अच्छी तरह से कोट करना है। इसमें 1 चम्मच पानी डालेंगे। पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, बस 1 चम्मच ही डालेंगे ताकि इसकी अच्छे से कोटिंग हो जाए। मैदा या कॉर्न फ्लोर आप जो भी डाल रहे हैं वो इतना डालें कि कॉर्न की अच्छे से कोटिंग हो जाए। इसमें 1/2 चम्मच नमक डालेंगे, 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर डालेंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको कॉर्न फ्लोर थोड़ा कम लग रहा है तो आप इसमें और डाल सकते हैं। मसाला भी अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसे 5 मिनट के लिए साइड में रख देते हैं ताकि कोटिंग अच्छे से इसमें चिपक जाए। तेल अच्छे से गर्म हो गया है। तेल को हमें बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है। एक कॉर्न हमने डाल के देखा है तो देखिए बहुत अच्छे से जल्दी से ये ऊपर आ गया है। अब हम इसमें सभी कॉर्न डाल देते हैं। इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना है कि तेल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। अगर आप गर्म तेल में कॉर्न डाल देते हैं तो कॉर्न फूट भी सकते हैं, इसलिए आप स्लो टू मीडियम फ्लेम पर ही इसे फ्राई करें। इसे हम 3 से 4 मिनट क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेंगे। देखिए कॉर्न बहुत अच्छे क्रिस्पी हो गए हैं। अब हम इसे निकाल लेते हैं टिश्यू पेपर पर। इस तरह से सभी कॉर्नों को हम फ्राई कर लेंगे। बाउल में 1/4 चम्मच चाट मसाला लेंगे, 1/4 चम्मच काला नमक, 1/4 चम्मच भुना हुआ जीरा, 1/4 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कॉर्नों में जो हमने मसाला बनाया है वो डाल देंगे। बारीक कटे हुए प्याज, अगर आप ये नहीं डालना चाहते हैं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, आप सिंपल कॉर्न भी बना सकते हैं। बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे और इसे अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। कॉर्न को थोड़ा और टेस्टी बनाने के लिए 1/2 नींबू का रस डालेंगे। ये हो गई है तैयार टेस्टी और क्रिस्पी कॉर्न चाट। अब हम इसकी लाइटिंग करेंगे। आ रहा है ना मुंह में देखकर पानी, तो बस जल्दी से बनाइए आप चटपटे कुरकुरे और क्रिस्पी कॉर्न चाट। इस पर हम ऊपर से भी डाल देते हैं बारीक कटा हुआ प्याज और धनिया पत्ती से इसे हम गार्निश कर देंगे।